हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली के मशहूर छोले और कुलचे की रेसिपी। देखिए कितने बढ़िया और टेम्पटिंग से ये लग रहे हैं और बनाना बहुत ही आसान है। कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से हमारे छोले कुलचे बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट और हेल्दी हमारे कुलचे बनके तैयार होते हैं, क्योंकि मार्केट से जब हम लेके आते हैं तो हमें पता नहीं होता किस किस तरीके से उन्होंने वो बनाए हैं। तो आज हम घर पर ही बना के तैयार करेंगे छोले और कुलचे की रेसिपी को। देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है छोले के साथ और हरी मिर्च के अचार के साथ, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। तो हरी मिर्च के अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ले बनाते हैं कुलचे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसे आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हम कभी कभी खाते हैं तो मैदे का ही यूज करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैदे के साथ साथ डाल दिया है थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच डाल दी है चीनी, और साथ ही डाल दिया है 3 से 4 चम्मच दही। तो घर का फ्रेश दही है, अगर खट्टा हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल दिया है दही, और इसके साथ साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम सोडा। अगर आपके पास सोडा ना हो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर 1 इनो का सैशे आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मैंने डाल दिया है ऑयल, या फिर आप घी भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है पहले सारे इंग्रेडिएंट को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इसके अंदर कितना पानी डालने की जरूरत है। आप चाहें तो इसको ओनली दही में भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी बहुत बढ़िया हमारे कुलचे बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके और हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो जो है हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से गूंथ के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो डो लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस मैदे को हमें अच्छे से गूंदना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से देखिए खींच रहे हैं तो ये टूट रहा है। तो इसे हमें और गूंदना है, इतना गूंदना है जब तक कि ये एक इलास्टिक के फॉर्म में ना आ जाए। मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको आपको 4 से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बिल्कुल इलास्टिक की तरह हो जाए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जब हम इसे खींच रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है, खींच रहा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे गूंदना है, और बस इसको गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि जो हमारा मैदा है थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पर इसको अब हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे और इसको ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है और अब इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारा मैदा है अच्छे से फर्मेंट हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी जो है पहले से ज्यादा लग रही है। तो इसको एक बार और मसल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने एक बार और इसको मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लोई तोड़ लेंगे जितनी की हम रोटी या फिर पराठे के लिए तोड़ते हैं, क्योंकि जो कुलचे होते हैं छोटे ही होते हैं, भटूरे की तरह लंबे तो होते नहीं है, तो फिर इसीलिए हमें ज्यादा इसमें नहीं लेनी है लोई, तो थोड़ी सी ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने देखी रोटी के साइज की ली है लोई, और इसको बस इस तरीके से रोल करेंगे और सूखे मैदे में इसको हल्का सा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद बेलेंगे। तो आप इसकी जो शेप है अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। आप अगर इसको ओवल शेप में बनाना चाहते हैं ओवल शेप में बना सकते हैं, या फिर सर्कल में बनाना चाहते हैं तो सर्कल में बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस सूखा मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है और अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसको जो हमें बेलना है थोड़ा मोटा ही बेलना है, क्योंकि जो कुलचे होते हैं आपने देखा होगा कि मोटे मोटे ही होते हैं हल्के हल्के। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी लगा दूंगी, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा कि उस पर धनिया की पत्ती और अजवाइन या फिर कलौंजी लगी हुई मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से धनिया की पत्ती मैं लगा रही हूँ और इसको एक बार और थोड़ा सा बेलन से हम बेल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने बेल दिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया है, मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल या फिर घी लगा देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके ऊपर मैंने घी लगाने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था और अपना कुलचा जो है इसके ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर एक कवर कर देंगे ताकि ये कुक हो जाए स्टीम में। तो यहाँ पे देखिए कवर कर दिया है मैंने और 2 मिनट ही लगेंगे। देखिए हमारा कुलचा जो है फूलना स्टार्ट हो गया है और ऊपर से ड्राई भी हो गया है। तो इसको अब हम पलट लेंगे और ऊपर से भी हल्का सा हम इसे सेक लेंगे। और आप अगर इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपका मन हो इसको हल्का सा और गर्म करके या फिर बटर में इसको सेक के आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसको सेक दिया है। तो हमें कुलचों को ज्यादा सेकना नहीं होता है। देखिए कितना बढ़िया और टेम्पटिंग सा ये लग रहा है। और इस पे अब थोड़ा सा घी ऊपर से लगा देंगे और एक बार और थोड़ा सा पलट के इसको सेक लेंगे।
तो बस रेडी है हमारे कुलचे की रेसिपी। अब हम बनाएंगे अपने इसके साथ खाने वाले चटपटे से छोले। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस छोले की रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर जो व्हाइट वाले मटर होते हैं, इसको मैंने आलू डाल के और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और ये देखिए अच्छे से कुक हो गए हैं और खड़े खड़े भी हैं, ज़्यादा मैश भी नहीं हुए हैं। तो बस अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको रेडी करते हैं। जैसे कि हमारे छोले कुलचे मार्केट में मिलते हैं, वैसे ही चटपटे से छोले बना के हम तैयार करते हैं। तो मार्केट में जो छोले मिलते हैं उसमें बेसिकली 7 मसाले यूज़ किए जाते हैं जिससे वो छोला मसाला बनाते हैं। तो उन 7 मसालों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या वो इसके अंदर यूज़ करते हैं जिससे वो जो छोले हैं बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग से लगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोलों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, हल्के हल्के से गीले हैं, ऐसे ही मार्केट में मिलते हैं, तो पानी हमें ना तो इसके अंदर और डालने की ज़रूरत है। और अब हम तैयार करते हैं अपने छोले। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें वो 7 मसाले डालते हैं, तो वो 7 मसाले कौन से हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिएगा कि कौन कौन से मसाले इसके अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो डालेंगे 1 चम्मच, ये बता रही हूँ मैं, आधा किलो मटर के लिए। और 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ साथ डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मिर्च कम ही डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने लाल मिर्च भी डाली है, काली मिर्च डाली है, और हरी मिर्ची भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच हरी चटनी डाली है तीखी वाली, और जो मार्केट में छोले मिलते हैं उसके अंदर आमचूर की जगह आमचूर का पानी वो लोग डालते हैं। तो यहाँ पर अब डाल दी है मैंने हरी मिर्ची, और साथ ही डाल दिया है प्याज। तो अगर आप प्याज ना खाना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही डाल दिए टमाटर, इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। और इसके साथ साथ अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने 2 और स्पाइसेस, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे छोले जो कि कुलचे के साथ मिलते हैं। तो ये देखिए सारे स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 नींबू को स्क्वीज करके, क्योंकि नींबू के बिना तो क्या ही बात बनती है छोलों में। तो यहाँ पे देखिए 1 नींबू को मैंने स्क्वीज करके डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर 1 स्पाइस जो हमारा बाकी था वो है भुना जीरा पाउडर, वो जरूर इसके अंदर पड़ता है, तभी इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया लगता है। तो वो सबसे एंड में आप डालिएगा क्योंकि उसका जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया लगता है एंड में जब हम इसको डालते हैं। तो यहाँ पे बस भुना जीरा पाउडर भी डाल दिया है, और ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे धनिया, और रेडी हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी और चटपटे से दिल्ली के फेमस कुलचे वाले छोले। तो बस रेडी है हमारे छोले और कुलचे की रेसिपी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।